प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी में हिंदी की पुस्तक में पाठ नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सांचे की खेती। अब बच्चों, सांचे की खेती क्या होती है? एक साथ मिलकर खेती करना। अब देखिए, जैसे मैं खेत में खड़ा हूँ, ये फसल है, ये किसकी फसल है? बाजरे की। इस पाठ में एक चिड़िया और एक कौआ मिलकर खेती करते हैं। वो खेती किसकी होती है? बाजरे की। आज हम इसी पाठ को 3 भागों में पढ़ेंगे। आज हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ नंबर 2 पढ़ेंगे, सांचे की खेती। अब देखिए, इस पाठ में 2 पक्षी होते हैं। एक होती है चिड़िया, ये क्या है? चिड़िया। और दूसरा कौआ, ये क्या है? कौआ। अब इस पाठ को पढ़ते हैं। एक थी चिड़िया मेहनती और भोली भाली। अब चिड़िया कैसी थी? मेहनती और भोली भाली। उसने इधर उधर से तिनके इकट्ठे करके पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। अब देखो, चिड़िया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया था? पेड़ पर। चिड़िया ने कपड़े की कतरने, धागे और सूतलियाँ जमा कर घोंसले में बिछा दी। अब वह घोंसले में आराम से रात बिताती। अब चिड़िया अपनी रात कहाँ बिताती थी? घोंसले में। दिन में दाना चुगा खाकर इधर उधर फुदकती। इस प्रकार वह सुखपूर्वक दिन बिताने लगी। एक दिन एक कौआ उसी पेड़ पर आ बैठा। अब उस पेड़ पर क्या आ बैठा, यानी कौन आ बैठा? कौआ। वह बहुत ही चलाक था। अब कौआ कैसा था? चलाक। और चिड़िया कैसी थी? मेहनती और भोली भाली। अब देखिए, कौआ चलाक था। उसने देखा कि चिड़िया बहुत ही भोली भाली है, क्यों ना इससे दोस्ती कर ली जाए। वह प्रतिदिन शाम के समय पेड़ पर आकर बैठ जाता। धीरे धीरे उन दोनों में मित्रता होगी। अब धीरे धीरे चिड़िया और कौआ में क्या होगी? दोस्ती, मित्रता होगी। एक दिन कौए ने चिड़िया से कहा, हम दोनों अपना पेट भरने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, क्यों ना हम मिलकर खेती करें। अब दोनों मिलकर क्या करना चाहते हैं? खेती। चिड़िया को कौए की यह बात बहुत पसंद आई। वह खेती करने के लिए झट से तैयार हो गई। अब चिड़िया क्या करने के लिए तैयार हो गई? खेती। दोनों ने घूम फिरकर एक खेत चुना। गर्मी बीत गई, बाजरे की बिजाई का मौसम आ गया। चिड़िया ने कौए से कहा, मेरे साथ चलो, आज हम हल चलाकर खेत तैयार करेंगे। आज उन्होंने क्या तैयार करना था? हल से खेत तैयार करना था। कौआ चिड़िया की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और आंखें मटकाते हुए बोला, तू चल, मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, मक्खन रोटी खाता हूँ, तेरे लिए भी लाता हूँ। अब बच्चों, आपने आज इस पाठ को यहीं तक पढ़ना है। अब आपने इस पाठ में क्या करना है? आज आपने आ की मात्रा, यह आ और ये क्या है? आ की मात्रा और ये क्या है? छोटी ई और ये छोटी ई की मात्रा। इन शब्दों को छांटकर पहले इन पे गोला लगाएं, फिर अपनी कॉपी में लिखना। जैसे देखिए, पहले आ की मात्रा, सिर्फ आ की मात्रा वालों पर आपने गोला लगाना है। देखिए इसमें कैसे लगाना है, जैसे ये रहा जमा, इस तरह आपने इस सारे में से जितना पाठ पढ़ा उस पर गोला लगाकर यहाँ पे क्या लिखेंगे?
जमा। एक और पे लगाते हैं, देखिए ऐसे, आराम, रात। देखिए यहाँ पे क्या लेंगे, आराम, आराम, ये बीच में क्या है, आ की मात्रा। फिर आगे क्या है, रात, रात, रात। इसी तरह आपने छोटी की मात्रा से भी शब्दों पर गोला लगाकर यहाँ पर लिखना है। देखिए सबसे पहले छोटी, देखिए चिड़िया, चिड़िया पे दोनों किसकी मात्रा है, छोटी की। देखिए की री आ, अब ये पीछे किसकी मात्रा है, आ की, चिड़िया। इस तरह आपने मात्रा पर गोला। अब देखो जिन पे सिर्फ किसकी मात्रा लगी हुई है, छोटी एक की। अब इसमें ऐसे ढूंढते जाएं छोटी की मात्रा, देखो बिछा, यहाँ पे कहेंगे बी छा। इस तरह आपने गोला लगाकर अपनी कॉपी में लिखना है और इन शब्दों को याद भी करना है। अब देखिए इसी तरह देखते देखते दिन, दिन पे कौन सी की मात्रा है, छोटी की। इस तरह आपने इन पर मात्रा पर गोला लगाना है, इन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखना। देखिए सिर्फ इन पे छोटी की मात्रा है, सिर्फ उन्हीं पे आपने गोला लगाना है। जैसे मैंने आ की मात्रा देखी, जैसे चलाक है, दाना है, इस तरह आपने इधर आ की मात्रा वाले लिखने हैं और इधर छोटी की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं और कॉपी में लिखने हैं और इनको याद करना है।